आशा बुला के लाई। हाँ दीदी, जब इनके घर के यहाँ गए बुलाने के लिए, तो इनको सास बोल रही हैं कि इसे नदी गई है, तो हम इंतज़ार किए 10 मिनट। इंतज़ार करने के बाद फिर ये आई, तो इसको बोल रहे हैं कि इसे चलिए दीदी, आपका MC रुका हुआ है 2 माह से। तो ये बोल रही है कि इसे ना, हम नहीं जाएंगे, इसे अगले महीने में जाएंगे। तो हम बोले कि इसे नहीं, चलिए दीदी, इसको जाँच करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आइए जी, इनको आइए लाए इधर हैं आइए, सेंटर हम पर। जांच करते। आप जी झक रही थी आने में जी यहाँ पर, हाँ क्यों? आप महिला हैं तो हम लोग भी तो महिला हैं। नहीं, जैसे ही जैसे MC रुका ना, तो ऐसे ही आपको अनुभव हुआ कि MC रुक गया, तो अपने गांव के आशा से बोलना चाहिए, वो जांच करेगी प्रेगनेंसी टेस्ट, उसे पता लगेगा। आशा, ये इस महिला को अथी प्रेगनेंसी टेस्ट करो, तब पता चलेगा। ले जाओ दीदी, बगल में बाथरूम है, पेशाब करके इसमें लाइए। नीचे रखिए, धुआ के डालिए। हाँ दीदी, बहुत खुशखबरी की बात है, चलिए हम NM दीदी से जांच बाकी गया थी। करवाएंगे। आ गई आशा, हाँ दीदी, नीचे में कुछ कब रहा? हाँ लाइए तो देखते हैं जी। आपको तो गर्भ ठहर गया जी, नीचे में देखिए 2 लाइन कवर गया ना। जाइए इसको बी के हाथ धो के आइएगा, तब आइएगा यहाँ पर सुइया देंगे। गर्भ ठहरने की बात, पहली जांच। देखिए आपका 2 महीना का गर्भ ठहर गया है, हाँ डरने की बात ना है। जांच भी कर दिए, पेशाब जांच कर दिए ना। हाँ अब आपको TT का सुइया पड़ेगा, TT फर्स्ट। छोटा बच्चा भी है, है, कितना दिन के है? साल भर हो गया उसका। साल भर? तो इतना जल्दी क्यों गर्भ ठहर गया जी? आप कॉपर टी या और कोई सलाह नहीं लिए थे? हाँ नहीं, अच्छा, ठहर गया तो कोई डरने की बात ना है। अगले बार से आप क्या कीजिएगा कि जैसे ही बच्चा जन्म होगा, कॉपर टी लगा लीजिएगा, या आशा से या NM से, हर अथी सेंटर पर आते हैं उनसे मिल के ऑपरेशन, 2 बच्चा हो जाएगा तो ऑपरेशन भी करा सकते हैं। हाँ, तो अभी आपको TT का TT बूस्टर पड़ेगा। 3 साल के अंदर जब बच्चा होता है ना, तो एक सुई पड़ता है TT बूस्टर। आपको TT बूस्टर एक ही सुई पड़ेगा, वो दे देते हैं। और पहले वजन ले लिए, आपका BP नाप देते हैं, और पूरे 9 महीना में, 9 महीना के गर्भ रहता है ना, 4 जाँच होगा। हैं, पहला TT अभी पड़ा, TT बूस्टर पड़ेगा, उसके बाद 14 सप्ताह में, उसके बाद 26 सप्ताह में होगा, फिर होगा 28 सप्ताह में, और फिर 36वां सप्ताह में होगा, समझे ना? 4 सप्ताह, और 9 महीना में आपको 4 जाँच होगा। वजन की जांच। 43 किलो। बैठिए जी, आप कर लेते हैं। लगी तो उधर से भी पिलाओ तो आशा। खून में दबाव की जांच। 2 माह का गर्भ है ना, तो आपको पहला जांच हो रहा है, वजन ले लिए, BP ले रहे हैं, और छोटा बच्चा है, 9 महीना का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, तो आपको एक ही को TT बूस्टर पड़ेगा। 3 साल के अंदर होता है ना डिलीवरी बच्चा, तो TT बूस्टर एक ही को पड़ता है, समझे ना? आराम से हाथ रखिए। चलिए, आपका BP भी ठीक है, 120/80, घबराने की बात ना है। वजन ले लिए, BP ले लिए, अब सुइया दे देते हैं। टेटनेस की सुई। कपड़ों थोड़ा सा ऊपर चढ़ाइए दो। सुइया से डरने की बात ना है, कोई दिक्कत ना होगा, समझे ना? अब आप अपना कार्ड लीजिए। आपका नाम? तिलासु देवी। तिलासु देवी। पति के नाम? नरेश राव। घर? चंदा डे। MC कहना हुए हैं? 4 जो चार लास्ट हुआ, 4 ना। चार छाव।
आपको बच्चा का होने का संभावित तिथि है, आपको 4/6 LMP हो गया और बच्चा होने का संभावित तिथि है आपको 11 तारीख 3रा महीना 2015, समझे ना, मार्च, यानी हिंदी महीना में फागुन भी उसको बोलते हैं आप लोग, मार्च में होगा 15 में। पहले से कै गो बच्चा है? दो 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 बच्चा जीवित है ना? हाँ। अभी फिलहाल वाला भी डिलीवरी वहीं करवाना है हॉस्पिटल में, समझे ना, हैं, और वहीं पर कॉपर्टी लग जाएगा आपको, या अगर कॉपर्टी लगाने का नहीं मन होगा तो एक आध महीना के अंतराल में मतलब अथी ऑपरेशन भी करा सकते हैं। अब लीजिए आपका सब हो गया, सुइया भी पड़ गया, अब आप आइएगा। आप ठीक काट लीजिए, अच्छा से काट रखिएगा। गर्भ ठहरने के बाद दूसरी जांच। देखिए आपका हेमोग्लोबिन जांच कर रहे हैं कि आपका शरीर में कितना ब्लड है, क्या आपका कमजोरी महसूस है, वो जांच कर रहे हैं। आपका 8 ग्राम ब्लड है, इसलिए आप खान पान पर ध्यान दीजिए, दूध खाइए, अंडा खाइए, फल खाइए और जूस वगैरह पीते रहिए, इसलिए कि आपका शरीर में बहुत ब्लड कम है और आप गर्भवती भी हैं, इसकी वजह से ध्यान दीजिए। हाँ दीदी, आपको जो बता रहा है ना, आप ऐसा कीजिएगा कि अभी हम फर्स्ट बार जांच किए हैं और फिर दोबारे बार में जांच करेंगे, इसलिए जांच करेंगे कि आप कितना खान पान पर ध्यान दिए हैं, जो कि आपका फिर ग्राम कितना बढ़ता है, इसके वजह से फिर दोबारे बार यहीं आप आइएगा इसी जगह पे। गर्भ ठहरने के बाद तीसरी जाँच। आपका लगता है कि 2 जाँच हो गया है जी, तीसरे जाँच के लिए आए हैं, TT बूस्टर दिया हुआ है, 3रा जाँच आपको होगा, ठीक ना। आपको पहले वजन लेंगे, चढ़िए तो चप्पल खोल के चढ़िए, पचास के जी आपका वजन हुआ। लाइए तो आपका BP चेक करते हैं, देखिए जी आपका BP ठीक है, थोड़ा घबराहट का लगता है, घबराहट लगता है आपको, अकवक जैसे लगता है, ठीक है, थोड़ा खान पान पर ध्यान दीजिए, 120/80 है BP। वहाँ आयरन का टैबलेट मिला था आपको? हाँ। खाए थे? हाँ। कितना कितना मिला था दोबारा में? तो 30-30 गोली मिले। हाँ, तो हम देखे पूरे 9 माह में 100 गो फॉलिक एसिड खाना रहता है, हाँ, ठीक ना, तो आप 30-30 खा लिए, 40 आज हम दे रहे हैं, 3रा जांच कर रहे हैं, इसलिए 40 खा लीजिएगा, 100 गो हो जाएगा। ठीक, आपको हेमोग्लोबिन भी जांच करते हैं, लाइए तो हेमोग्लोबिन, कितना आपको शरीर में ब्लड है वो जाँच करते हैं। ब्लड आपका शरीर में 10 ग्राम है, इसलिए आप 60 गो अभी आयरन खा लिए हैं, ये 40 और खा लीजिएगा, ठीक ना, और अभी यहाँ रहने दीजिए, कार्ड पर सब चढ़ गया है, चलिए आप वहाँ पर चेक करते हैं थोड़ा सा, अब लेटिए उस पर। देखिए आपका 7 माह हो गया है ना, चलिए आपका बच्चा ठीक है, घूर रहा है इधर उधर, खान पान पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, आपका ब्लड थोड़ा सा कम है, होना चाहिए 12 ग्राम 13 ग्राम 14 ग्राम, तो 10 ग्राम है, अगर जूस अगर अथी है तो जूस पीजिए, दूध पीजिए, अंडा खाइए, और उसे भी नहीं होता है तो आप अथी चना फुला दीजिए और गुड़ सुबह में मुँह धो के उसको खाइए, डेली आपका हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ठीक ना, उठ जाए।
एनम दीदी का संदेश। प्रसव पूर्व जांच कराना बहुत जरूरी है। ये हर गर्भवती महिला को पूरे 9 माह में 4 जांच कराना जरूरी है। ये जांच हर आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण के दिन एएनएम करती है या स्वास्थ्य उपकेंद्र पर एएनएम से मिल के करवाना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान ये जांच 4 बार होती है। इस जांच के दौरान वजन, खून, बीपी की जांच होती है। यदि महिला में कमी है तो उनको खाने पीने के लिए सलाह दी जाती है और सरकार की तरफ से 100 दिन फॉलिक आयरन की गोली भी दी जाती है। 7वें माह में गर्भवती महिला आती है तो उसे सरकारी अस्पताल में जांच के लिए भेजते हैं कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए कि बच्चा की स्थिति किस पोजीशन में है, अल्ट्रासाउंड से पता लगे। 4 जांच जो करवाते हैं उसमें बीपी जांच करते हैं और वजन जांच करते हैं, हेमोग्लोबिन ब्लड खून मतलब जांच करते हैं और उसका कमी देखते हैं कि क्या उसमें कमी है, तो उस आधार से फिर उनको खान पान पर ध्यान करवाते हैं। हम यही कह रहे हैं कि दीदी के बात सारी सुनते हुए सारी गर्भवती महिला अपने प्रसव करवाने के लिए सरकारी अस्पताल में जाएं और सरकारी अस्पताल से लाभ उठाएं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि दीदी का बात सुनते हुए आप लोग ये ध्यान देते रहिए कि हर स्वास्थ्य उपकेंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र पे 4 जांच गर्भवती माँ जरूर कराएं और अपने फायदे को उठाएं।